18 सितंबर 2022 जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैसा में काम करने वाले ने एक ऐसा रिजल्ट पेश किया जिसमें जुपिटर की इस इमेज में एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिलती है, जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जुपिटर का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एक मिनट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट तो मर्करी है, नहीं वीनस है जो कि सन से सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है। वीनस का जो कि हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो है 471 डिग्री सेल्सियस। अब अगर एक बार जुपिटर की हीट वेव्स का टेम्परेचर देखें तो वो वीनस से कितना ज्यादा है, तो क्या आपसे वीनस नहीं बल्कि जुपिटर ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बन गया है? अब इतना तो हम जानते हैं कि किसी चीज से हीट किसी हीट सोर्स से दूर हो जाने पर आपको गर्मी उतनी ही कम रिसीव होती है। अब जुपिटर जिसका डिस्टेंस सन से एवरेजली 778 मिलियन किलोमीटर है, मतलब कि वीनस से तकरीबन 750 गुना ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर आकर आया कहाँ से? क्या जुपिटर एक स्टार में कन्वर्ट होने वाला है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है? चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि आखिर जुपिटर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। अब जब बात होती है टेम्परेचर, तो प्लैनेट्स को हीट एनर्जी देने के लिए दो मेजर रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पहला तो उसका पैरेंट स्टार यानी वो स्टार जिसके चारों तरफ प्लैनेट चक्कर काट, और दूसरा उसकी इनर हीट यानी कि उसके कोर से निकलने वाली एनर्जी। अब अगर बात करें उस प्लैनेट स्टार की, तो ये कॉमन सी ही बात है कि हर सोलर सिस्टम में स्टार अपने ऑर्बिटिंग प्लैनेट को हीट दिया करते हैं, लेकिन वही बात अगर की जाए प्लैनेट के अंदर से निकलने वाली इनर हीट की, तो ये मामला काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। दरअसल हर प्लैनेट का अपनी अपनी जगह पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आउटर सोर्स पर डिपेंड करते के साथ साथ हीट के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि वो प्लैनेट्स जिनका सरफेस बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, और इनके केस में ये हीट वॉल्केनिक इरप्शन, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, एक्टिव कोर एक्टिविटीज वगैरह की वजह से प्रोड्यूस होती ही रहती है। अब स्पेसिफिकली हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि गैस जायंट्स में ये केस थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो इसमें टोटल 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब इन चारों में से जब मर्करी और वीनस का डाटा साइंटिस्ट के सामने आया, तो उनके तो होश ही उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि पहले तो हम यही माना करते थे कि मर्करी जो कि सूरज से सबसे ज्यादा नजदीकी प्लैनेट है, वो ही सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, और उसके बाद वीनस का नंबर आता होगा क्योंकि सोलर सिस्टम में वीनस मर्करी के बाद सीक्वेंस में जो आता है। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट और ऑब्जर्वेटरी के डाटा से हमें ये पता चला कि मर्करी का एवरेज टेम्परेचर 167 डिग्री सेल्सियस है और वीनस का उससे तकरीबन 3 गुना ज्यादा यानी कि 464 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर तो हिस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन अगर सभी प्लैनेट जितना ज्यादा सूरज से दूर हैं, वो उतने ही ज्यादा ठंडे हैं, तो आखिर मर्करी और वीनस इस पैटर्न को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की है फिजिसिस्ट इथन सेगल ने। उनके मुताबिक जब कोई प्लैनेट सूरज की तरफ फेस करता है, तो वो सूरज से एनर्जी को रिसीव करता रहता है, लेकिन वहीं पर जब उसी प्लैनेट पर रात होती है, तो हर प्लैनेट अपने स्टार से मिलने वाली उस एनर्जी को वापस स्पेस में रेडिएट भी करता है। अब इस प्रोसीजर में जब बात एनर्जी रिसीव करने की आती है, तो वो तो प्लैनेट को सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त मिल रही होगी, लेकिन वहीं पर जब बात उस एनर्जी को वापस स्पेस में भेजने की आती है, तो एक प्लैनेट दिन और रात दोनों ही टाइम में अपनी एनर्जी को स्पेस में छोड़ता रहता है। और यही तो इकलौता रीजन है जिसकी वजह से प्लैनेट्स रात में ठंडे रहते हैं, क्योंकि रात के टाइम में सारे प्लैनेट्स अपनी हीट को वापस स्पेस में भेजने जो लगते हैं। अब वैसे तो मर्करी और वीनस में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि मर्करी वीनस से काफी छोटा है, मर्करी वीनस से 4 गुना ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, वो इन दोनों प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर है। अब जैसे कि इमेजेस बताती हैं कि मर्करी में बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी चीज एंटर करती है, वो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से फौरन स्पेस से निकल जाती है, अब वो चाहे हीट ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ वीनस में बहुत ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से जब कोई भी चीज उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंक्लूडिंग हीट। और यही तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंसेस का बेसिक रीजन है। अब मर्करी में जब दिन का टाइम होता है, तब तो उस एरिया का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो ही जाता है, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर की कमी की वजह से मर्करी अपनी हीट को रिटेन नहीं कर पाता, इसीलिए एक दो दिन के बाद वो पूरी तरह से दोबारा ठंडा हो जाता है, और उस एरिया का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है, और इसी बदलाव की वजह से मर्करी का एवरेज टेम्परेचर 333
डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब वहीं पर अगर हम वीनस के एटमॉस्फेयर को देखें, जो कि इतना मोटा है, तो वहां से हीट आसानी से बाहर निकल ही नहीं पाती, जिसकी वजह से दिन हो या रात लगातार हीट एनर्जी स्टोर होती ही रहती है और वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वीनस को टेम्परेचर के मामले में किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी गर्मी उसी बैलेंस के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से मरकरी जल्दी ठंडा हो जाता है लेकिन वीनस अपनी गर्मी को बनाए रखता है। अब अगर वहीं पर ही हम जुपिटर की बात करें, जो कि एक गैस जायंट है, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। अब वैसे तो गैस जायंट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर आज तक साइंटिस्ट इनके बारे में 90% चीजें समझ ही नहीं पाए, लेकिन जब बात आती है इनके इंटरनल कोर हीटिंग की, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इन प्लैनेट्स में एक्सट्रीम ग्रेविटी, हाई डेंसिटी और बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इनके सर्फेस लेवल पर इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है। अब जिस तरह सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए सनलाइट ही एक सर्कुलेशन सोर्स की तरह काम करती है, उसी तरह गैस जायंट के क्लाइमेट चेंज और उन पर आने वाले तूफान इनके बीच के थ्रू आउट प्लैनेट को सर्कुलेट करने में मदद करते हैं। और यही वजह है कि जब हम जुपिटर की किसी जगह को बहुत ज्यादा गर्म देखते हैं, तो वहां पर दरअसल कोई ना कोई तूफान आ रहा होता है, और उसी तरह इस बार भी जुपिटर पे एक भयानक तूफान आया हुआ है। बस फर्क ये है कि कुछ ये ज्यादा ही गर्म, और इसीलिए सितंबर के लास्ट वीक में जो कैप्चर की गई विजिबल लाइट वाली इमेजेस हैं, वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई, क्योंकि इस बार इसका टेम्परेचर 700 डिग्री से भी ज्यादा है। वैसे तो अगर सच सच बात की जाए, तो जुपिटर पर इतनी बड़ी हीट वेव का आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर का कोर पूरे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट से सबसे ज्यादा गर्म है, और वहाँ हर साल इसी किस्म की हीट वेव्स आते ही रहते हैं, बस इस बार टेम्परेचर ने ब्रेक तोड़ दिया है। अब इससे आप ऐसे ही समझ सकते हो कि हीट वेव तो हर जगह पर ही आते रहते हैं, लेकिन उससे उसके परमानेंट टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता ना। बस यही हाल जुपिटर का भी हुआ है। जुपिटर में ओकेशनली ऐसी सिचुएशंस पैदा होती ही रहती हैं, जिसकी वजह से उसके कई एरियाज में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए जुपिटर के परमानेंट टेम्परेचर की, जो कि -110 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर कोई भी इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसी वजह से जब तक जुपिटर 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को काफी लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं करेगा, जब तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बने। लेकिन हो ना हो, जुपिटर कुछ टाइम से कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर तो रहा है, जिसके लिए साइंटिस्ट इस पर मजीद रिसर्चेस करना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जुपिटर एक स्टार बनने वाला है?